हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए आज की क्लास, बिहार शिक्षक बहाली। जी हाँ, जो बीपीएससी का जो बिहार शिक्षक बहाली होने वाली है उसी का दोस्तों ये नेक्स्ट क्लास है, और ये टेस्ट नंबर आपका टेस्ट नंबर 53 होने वाला है। तो चलिए शुरू करें, और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर सामान्य अध्ययन और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और सामान्य विज्ञान के सवाल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पर पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। और ये आपका जो मेन रूप से आपका 1 to 5 बच्चे के लिए है, ऐसे सामान्य अध्ययन तो आपको 1 to 5, 9th, 10th, 11th, 12th सभी को पूछा जाएगा, तो वो लोग भी देख सकते हैं, लेकिन मेन रूप से आपका ये 1 to 5 के लिए आपका, ठीक है। ये NCERT SCERT बेस्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप ध्यान रखना है, ठीक है। जितना मैंने टेस्ट करवा दिया हूँ बस उतना आप कर लीजिए। 53 पीछे वाला आप जा करके हमारे प्ले लिस्ट से कर सकते हैं, वहाँ पर सारा आपको दे दिया गया है, क्रम से आप वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। डेली जो आपकी क्लास होती है वो शाम में 7 बजे से होती है, ठीक है। शाम में 7 बजे से आपकी 1 to 5 की क्लास चल रही है, और रात में 9 PM से आपकी दोस्तों आपका 9th, 10th सामाजिक विज्ञान की क्लास चल रही है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वो भी आपका चैप्टर वाइज आपको करवाया गया है। नहीं देखे तो आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों 50% ऑफ कर दिया गया है फी में, तो आप वहां से आराम से सारे नोट्स ले सकते हैं। डेली आपकी क्लास होती है शाम में 7 बजे से, टेस्ट नंबर आपका 53 नंबर, 50 महत्वपूर्ण सवाल, और इसी से संबंधित दोस्तों कम से कम दोस्तों 200 सवाल अभी और आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सारा क्वेश्चन आप लोग का रिविजन होता चला जाएगा, और ये NCERT SCERT आपकी बेस्ट है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और यहां पर दोस्तों सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जितने भी क्लास हुए हैं पीछे वाला वो सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। ये 7857824310, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप है ना, इसी पर आपको 50% ऑफ कर दिया गया है। मात्र 251 आपको अभी पे करना है, ठीक है। मात्र कितना पे करना है तो ओनली 251, ये नंबर आपको दिया गया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, है ना, किसी भी माध्यम से आपको मात्र कितना तो 251 आपको पे करना है। अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे होंगे, या आप 9th, 10th की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे होंगे तो इतना ही लगेगा दोस्तों, है ना। अगर आप दोनों का भी कर रहे हैं तो इतना ही लगेगा, एक का भी कर रहे हैं तो इतना ही लगेगा दोस्तों, ठीक है। 1 to 5 कर रहे होंगे या 9th, 10th सामाजिक विज्ञान का कर रहे होंगे तो मात्र 251 ही आपको कर दिया गया है, है ना, बिल्कुल लो प्राइस कर दिया गया है ना, ताकि सभी लोग इसमें जुड़ सके और अपनी तैयारी को कर सके दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका PDF है, और यहाँ से आपको बस इसको वीडियो एक बार देख लेना है, उसका PDF आपको कंप्लीट कर लेना है ना। जो भी पे करेंगे इस नंबर पे, तो यही नंबर आपका व्हाट्सएप भी है, इसी पे आप स्क्रीन शॉट लेकर के भेज दीजिएगा पेमेंट वाला, ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकूं, और सारे मटेरियल आपको पर्सनली आपको नंबर पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर लिपि की बात करें तो ये दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक ये लिपि थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ना, आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये दो तरफी लिपि थी। दो तरफी कहने का मतलब है ये दाएं से बाएं भी, बाएं से दाएं भी लिखा जाता था और दाएं से बाएं भी लिखा जाता था, ये वाला लिपि आपका, है ना। सिंधु घाटी की जो सभ्यता जो लिपि था आपका भाव चित्रात्मक लिपि, दाएं एक बार दाएं बाएं से दाएं और फिर आपका बाएं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा जाता था ये, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखिएगा, है ना, और इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, आपका सवाल नंबर दूसरा नंबर देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि पहला मुगल बादशाह कौन था। बताइए दोस्तों पहला मुगल बादशाह कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहला मुगल बादशाह कौन था। हुमायूं था, बाबर था, शाहजहां था, या शेरशाह सूरी था। तो आपको पता होगा दोस्तों कि मुगल वंश के स्थापना संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके बाबर, ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर थे। और पानीपत की प्रथम युद्ध जब हुई थी कब, तो 1526 ईस्वी में, इसी समय दोस्तों आपको
मुगल वंश का स्थापना किया गया था आपका, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत होती है और मुगल वंश की स्थापना किए थे 1526 ईस्वी में, है ना। चलिए तो ये था आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए बाबर ने एक सिक्का चलाया था, ठीक है, बाबर ने जो एक सिक्का चलाया था चांदी का सिक्का, ठीक है, बाबर जो चलाया था दोस्तों ये चांदी का सिक्का चलाया था और इस सिक्के को कहा जाता था शाहरुख, है ना, ये शाहरुख खान याद रखिएगा, तो इस सिक्के को कहते थे शाहरुख, ठीक है, तो शाहरुख नाम का सिक्का कौन चलाया था दोस्तों, तो बाबर ने चलाया था आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका थर्ड नंबर, कि चेतियागिरी विहार सांची में बनाए जाने वाला पर्व है। देखिए चेतियागिरी विहार एक पर्व है दोस्तों, है ना, चेतियागिरी विहार जो है एक पर्व है और ये सांची में बनाया नहीं मनाया जाता है, ठीक है, बनाया नहीं ये मनाया जाता है, कहाँ, तो सांची में। तो ये जो पर्व है ये किसका पर्व है, ये क्वेश्चन है, तो ये हिंदू का है, सिख का है, बौद्ध का है या जैन का है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर सांची आ गया तो सांची का स्तूप किसका है, तो महात्मा बुद्ध का है, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बौद्ध धर्म से संबंधित, है ना, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है और बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म। देखिए चैत्यागिरी जो विहार है दोस्तों, ये जो महोत्सव मनाया जाता है ये नवंबर महीने में मनाया जाता है, ठीक है, नवंबर महीने में ये इसको मनाया जाता है, याद रखना है आपका, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर फोर नंबर, कि न्यूयॉर्क, सॉरी प्रश्न का है कि राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कह रहा है, ठीक है, याद रखिएगा ये राष्ट्र संघ कह रहा है, है ना, तो राष्ट्र संघ पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो दूसरा है, राष्ट्र संघ आपका दूसरा चीज है, ठीक है, तो ये राष्ट्र संघ का सचिवालय पूछ रहा है, तो इसका सचिवालय का जो मुख्यालय है दोस्तों, ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या फिर बर्लिन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ, जिनेवा, है ना, राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय था ये कहाँ था आपका, जिनेवा में था, याद रखिएगा। देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना जब होती है कब, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध होता है आपका 1914 से लेकर के 18 तक, और इसकी इसी के बाद दोस्तों राष्ट्र संघ की स्थापना होती है आपका 1920 ईस्वी में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसका स्थापना कब होता है 1920 में, है ना। और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अगर पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी आपका 1945, UNO, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को होता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, और संयुक्त राष्ट्र का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो ये हो जाता हो दोस्तों आपका न्यूयॉर्क, है ना, ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया हूं ताकि आपको दिख सके। प्रश्न कह रहा है कि मृदा संरक्षण निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है। देखिए मृदा संरक्षण में, है ना, मृदा जब संरक्षण किया जाता है तो उसमें मल्चिंग क्या होता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मल्चिंग क्या होता है। देखिए मल्चिंग में होता है क्या, तो मल्चिंग में होता है दोस्तों कि पौधों के बीच में खुली जमीन, है ना, पौधे के बीच में जो खुली जमीन होता है उस पर पुआल और कुछ कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है ना, उसे कहा जाता है आपको मल्चिंग, और इसी अनुसार आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इसी अनुसार आंसर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो आंसर हो गया डी। अगला सवाल देखिएगा आपका 6 नंबर, थिम्पू कहाँ की राजधानी है दोस्तों। देखिए थिम्पू कहाँ की राजधानी है, तो आपके जो पड़ोसी देश है ना उसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए, तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं या फिर जो जो देश हमेशा चर्चा में रहता है उसका राजधानी, राज्य, आपका मुद्रा पूछ लेगा आपसे, है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो थिम्पू जो है ये आपका भूटान की राजधानी है ना, ये हमारे पड़ोसी है, ठीक है। अगर पूछे कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो बहुत आसान है, काठमांडू है ना। अगर पूछे दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर कोरिया की राजधानी अगर नहीं याद है तो बता देते हैं मैं, पयोंगयांग, है ना, पयोंगयांग दोस्तों, पयोंगपयांग, है ना, पयोंगपयांग इसकी राजधानी है, याद रखिएगा, उत्तर कोरिया की, ठीक है। चलिए थाईलैंड की राजधानी कहाँ है भाई साहब, थाईलैंड की राजधानी हो जाएगा आपका बैंकॉक, है ना, कहाँ है, बैंकॉक है आपका थाईलैंड की राजधानी, ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है जी, ठीक है। चलिए अगर पूछे कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, है ना, ये जो है इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा का नाम है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है इसको वान कहते हैं, ठीक है, वान कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, 7 नंबर सवाल है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए सिंपल सवाल है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो पहले भारतीय स्टेट बैंक जो था ना दोस्तों, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता था। भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपका 1955 में, ठीक है। राइट आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर,
तीन बैंक था, तीन बैंक कौन कौन था, तो बैंक ऑफ कलकत्ता था, बैंक ऑफ बॉम्बे था और बैंक ऑफ मद्रास था, ठीक है। ये तीनों बैंक को मिला करके एक प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया था 1921 ईस्वी में, जिसका नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। 1921 में स्थापना होता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों बाद में नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना। तो याद रखिएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आठ, नंबर आठ नंबर सवाल है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीयकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम था। देखिए भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, है ना, कह रहा है कि किसमें प्रचलित था, है ना, किस देश में ये प्रचलित था, तो ये USSR में प्रचलित था दोस्तों, यानी कि रसिया में ये प्रचलित था आपका पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को अब समाप्त कर दिया गया है ना। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना होती है कब, तो आपको पता होना चाहिए 15 मार्च 1950 को होती है, ठीक है। कब हुई थी स्थापना, 15 मार्च 1950 को। अब इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, और इसी के जगह पर क्या आया है दोस्तों, नीति आयोग आया है ना। और नीति आयोग कब से शुरुआत हुआ है, तो 1 जनवरी 2015 से, याद रखिएगा नीति आयोग, है ना, 1 जनवरी 2015 से आपका, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर है नाइन की है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। देखिए आज़ाद हिंद फौज की अगर हम बात करें, तो इसका गठन हुआ था आपका 1942 में, आपका कब हुआ था, 1942 में हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन। किसने किया था गठन, है ना, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका गठन आखिर किसने किया था, है ना। तो आज़ाद हिंद फौज 1942, रास बिहारी बोस की प्रेरणा पर दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह ने INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का प्रथम डिवीजन का स्थापना किया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार का विषाद है। देखिए वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, है ना, जितने लोग देखे हैं देख रहे हैं, तो एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी तैयारी होते रहे। बिहार का विषाद यानी कि बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों कोसी को आपका, ठीक है। किसको कहते हैं जी, तो वो है आपकी कोसी नदी, बिहार का शोक आपको कहा जाता है, है ना। अगर पूछे कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तो बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तो वो है आपका दामोदर नदी, ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अगर पूछे दोस्तों कोसी का प्राचीन नाम क्या है, बताइए तो कोसी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम हो जाएगा अरुणा, है ना। क्या नाम है इसका प्राचीन, तो अरुणा इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। चीन का शोक है वांगो नदी, है ना, चीन का शोक वांगो नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। देखिए तथाकथित कुशासन के आधार पर कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था, तो वो है दोस्तों आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और ये कब लिया था, तो 1800 ये आपको बताना है। और मैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की बातें बता दूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था ये था आपका 1828 से लेकर के 35 तक दोस्तों, ये आपका, है ना, 1828 से लेकर के 35 तक दोस्तों ये आपका इसका कार्यकाल था आपका, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। और इसी के समय में आपका सती प्रथा का भी उन्मूलन होता है, है ना, ये भी आपको पूछा जाता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया था आपका, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी दोस्तों आपका यही था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका प्रश्न नंबर है 12 नंबर कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हिटलर। देखिए हिटलर कहाँ का था, तो ये जर्मनी का था, और ये जर्मनी का चांसलर कब बना, तो जर्मनी का चांसलर बना था 1933 ईस्वी में। कब बना था, 1933 ईस्वी में बना था ये जर्मनी का चांसलर, याद रखिएगा। और हिटलर की मृत्यु कब होती है, तो हिटलर की मृत्यु हो जाती है आपका 1945 ईस्वी में, है ना, 1945 में इसकी मृत्यु होती है, ये भी आपको पूछा जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिटलर ने राज्य को व्यक्ति से ऊपर माना था, ठीक है। यहूदियों को हिटलर ने दोस्तों बहुत ज़्यादा सताया था आपका, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिटलर ने कौन सी पार्टी का स्थापना किया था, तो ये नाजी पार्टी का स्थापना किया था, ठीक है। कौन सा पार्टी का, तो ये नाजी पार्टी का था आपका, याद रखिएगा। इसका एक पुस्तक है माई कैम्फ, है ना, कई बहुत इंपॉर्टेंट है माई कैम्फ, है ना, KEMF, ठीक है। तो माई कैम्फ जो इसकी पुस्तक है यानी कि मेरा संघर्ष, ये किसका है, तो हिटलर का ही है, याद रखना, ये कई बार पूछा गया है,
अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जापान के संविधान से दोस्तों। कहाँ से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है, है ना, याद रखिएगा दोस्तों आपका जापान के संविधान से, ठीक है। चलिए तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है ये बताइएगा हमको, है ना, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो एक बार मैं बता दूं कि ब्रिटेन के संविधान से जैसे विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, है ना, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, सब लिया गया दोस्तों ब्रिटेन से आपका। कनाडा से क्या क्या लिया गया है मेरे दोस्तों, तो कनाडा से लिया गया है आपका संघीय व्यवस्था, है ना, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, ये सारे लिए गए हैं आपके कनाडा से। अमेरिका से बहुत सारा चीज़ लिया गया है, जैसे कि आपका अमेरिका से है आपका मूल अधिकार है, है ना, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये सारे आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, है ना, संयुक्त अधिवेशन, ये सारे लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से आपका। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है आयरलैंड से ही, और नीति निदेशक तत्व भी लिया गया है आयरलैंड से ही आपका। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 14 नंबर, कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है दोस्तों, है ना, भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है, वो अनुच्छेद है आपका 34, है ना, अनुच्छेद है वो आपका 34 के अंतर्गत दोस्तों आपका, ठीक है जी, याद रखिएगा 34। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर सवाल, 15 नंबर है कि अहमदनगर की रानी, है ना, अहमदनगर की रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। जी हाँ, अहमदनगर की किस रानी ने दोस्तों, है ना, अहमदनगर की किसी नहीं, किस रानी ने, है ना, अहमदनगर की किस रानी ने दोस्तों बादशाह अकबर का क्या किया था, तो विरोध किया था। देखिए वो रानी थी आपका, उसका नाम क्या था, चांद बीवी, ठीक है, अहमदनगर की रानी थी आपकी चांद बीवी, ठीक है, और इन्होंने ही दोस्तों अकबर का क्या किया था, तो विरोध किया था आपका। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अहमदनगर पर ये आक्रमण कर दिया था अकबर, देखिए कोई भी आप पर आक्रमण करेगा तो आप तो विरोध करिएगा ना जी, तो वही आपका चांद बीवी क्या की थी, विरोध की थी, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 16 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध या द्वितीय अफीम युद्ध या ताइपिंग विद्रोह ये किस देश से संबंधित है। देखिए प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध और आपका ताइपिंग जो विद्रोह है ये आपका चाइना से संबंधित है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका चीन नंबर। प्रथम अफीम युद्ध, है ना, याद रखिएगा कब हुआ था प्रथम अफीम युद्ध दोस्तों, तो 1839 से लेकर के 42 ईस्वी तक चला था आपका प्रथम अफीम युद्ध आपका हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था अफीम युद्ध प्रथम, तो ये हुआ था चाइना और ब्रिटेन के बीच, ठीक है, चीन और आपका ब्रिटेन के बीच हुआ था अफीम युद्ध। ये भी कई बार पूछा गया कि किसके किस बीच हुआ है, तो चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ है, है ना। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 17 नंबर की, पेसो किसकी मुद्रा है आपका, है ना, पेसो किस देश की मुद्रा है। अगर पेसो की बात करें तो ये आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना की मुद्रा है आपका पेसो। अगर कहेंगे दोस्तों कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी हो जाएगा व्यूनस आयर्स, कहाँ हो जाएगा व्यूनस, है ना, व्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है, याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है ना अर्जेंटीना की राजधानी, ठीक है। चलिए और दोस्तों अर्जेंटीना में जो एक घास के मैदान है उसको कहते हैं पंपास, क्या कहते हैं, पंपास कहा जाता है अर्जेंटीना के घास के मैदान को, आपको याद रखना है, ठीक है, और ये अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी इसको कहा जाता है। अगर कहे क्वेश्चन कि ब्राजीलिया, है ना, ब्राजील जो है, ब्राजील का दोस्तों मुद्रा क्या है, तो ब्राजीलियाई रियाल है, ठीक है, ब्राजीलियाई रियल जो है ये ब्राजील की मुद्रा है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्राजील में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो कहवा यानी कि कॉफ़ी होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, ठीक है। अगला सवाल है आपका 18 नंबर की, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो गुरुमुखी लिपि का जो प्रारंभ किया था वो गुरु अंगद किए थे, कौन किए थे, गुरु अंगद के द्वारा ये किया गया था गुरुमुखी लिपि, ठीक है। गुरुमुखी लिपि जो है ये पंजाबी भाषा में प्रयुक्त होने वाली लिपि है ना,
तो अगर जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखा गया है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 19 नंबर। बहुत बढ़िया, आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा, एक बार वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी 50% दोस्तों ऑफ कर दिया गया है, मात्र 251 में आपको सारे पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चाहे आपको 1-5 की तैयारी कर रहे होंगे या 9-10 की तैयारी कर रहे होंगे, सारे आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा जी। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? बहुत अच्छा किया है, है ना, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए कम से कम कुछ तो योग्यता निर्धारित किया गया है। किसके द्वारा? तो वो राज्य है दोस्तों आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान वो राज्य पहला राज्य है जो जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित कर दिया है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति का अगर कोई चुनाव लड़ता है तो 10वीं पास कम से कम होना चाहिए। अगर सरपंच और अन्य का चुनाव लड़ता है तो 8वीं पास होना चाहिए। और वह प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं जिन्हें घर में शौचालय हो, है ना, वही चुनाव लड़ सकता है वहाँ जिसके घर में शौचालय हो। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 20 नंबर। देखिए 20 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, दो कथन यहाँ पर आपको दिया गया है और आपको उसके अनुसार ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन है कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता से है, या फिर दूसरा है कि समिति सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। 20 का आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 20 का जो होगा ना, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य कह रहा था, तो न ही आपका एक सत्य और न ही आपका दो सत्य है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा यहाँ से दोस्तों। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा, दोनों आपको गलत ही दिया गया है। अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर आपका 21 नंबर। 21 नंबर है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, है ना। तो विकास केंद्र उपागम जो अपनाया गया था, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था दोस्तों 1969 से लेकर के 74 तक चला था आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये आप याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में किस भाग में पंचायत के लिए प्रावधान किया गया है? देखिए वो कौन सा भाग है दोस्तों जिसमें पंचायत के लिए जो प्रावधान किया गया है, वो भाग है आपका भाग 9। ठीक है, पंचायत के लिए प्रावधान किया गया है, है ना, भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा आपका। ठीक है जी, चलिए, और भाग 9 में जो जोड़ा गया था, है ना, नगर पंचायती, ये हुआ था 73वें संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया था आपका, याद रखिएगा, है ना। और इसमें 11वीं अनुसूची भी दोस्तों जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से किस या कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन म्यांमार की त्रिसंधि निर्माण करता है? जी हाँ, वो कौन सा दर्रा पूछ रहा है, यानी पर्वतीय दर्रा है जो भारत है और चीन है और म्यांमार त्रिसंधि का निर्माण करता है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लीजिए, दीफू दर्रा, पेंसिला दर्रा या मिसला दर्रा या बुमला दर्रा। आंसर हो जाएगा आपका दीफू दर्रा। ठीक है, दीफू दर्रा है कहाँ जी? तो दीफू दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जो आपका आपका किसको किसको कर रहा है, तो ये भारत है ना, आपका भूटान है, चाइना है और आपका म्यांमार है आपका। ठीक है जी, याद रखना है आपको, है ना। तो ये हो जाएगा आपका भारत चीन म्यांमार और वहीं पर भूटान भी है दोस्तों, है ना, भूटान इसे नहीं दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर आपका, है ना। अगर आप पूछे कि नाथुला और जलेपला जो आपका ये कहाँ है, तो नाथुला और जलेपला जो है ये आपका सिक्किम में है आपका, पूछा जाता है कई बार, है ना। दर्रा जो है, दर्रा से संबंधित एक सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है दोस्तों? देखिए 44वें संविधान संशोधन में देखिए जो हुआ था आपका, कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था ना, और इसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार था इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 के ए में जा करके रख दिया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको रखा गया आपका अनुच्छेद 300 के ए में, जो आपका हमारा संपत्ति का अधिकार था ये पहले अनुच्छेद 31 में था और अनुच्छेद 19 के एफ में भी था, इसका वर्णन कुछ कुछ किया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 25 कह रहा है कि कामेत नामचा बरवा और मुरला मंधाता है ना, ये जो है दोस्तों गुरला मंधाता, मुरला नहीं गुरला मंधाता जो है ये क्या है, है ना, ये कई बार पूछा गया है। कामेत, देखिए कामेत और नामचा बरवा और गुरला मंधाता जो है ये हिमालय की पर्वतीय चोटी है भाई साहब, क्या है ये, हिमालय की पर्वतीय चोटी हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिए जब हिमालय की बात है दोस्तों तो हिमालय को मुख्य रूप से यहाँ पर नदी के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया था, मैंने पढ़ाया था जब हिमालय, तो हिमालय के बारे में हम बताए थे कि नदी के हिसाब से हिमालय का दोस्तों है ना 3-4 भागों में बांटा गया था। एक तो जो हिमालय था वो था आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय जो था दोस्तों ये सिंधु और सतलज के बीच में था पंजाब हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय जो था ये आपका सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। ठीक है, उसके बाद था आपका नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय काली नदी और आपका तिस्ता नदी, फिर एक है आपका असम हिमालय, तो असम हिमालय हो जाएगा तिस्ता और आपका दिहांग नदी, यानी कि दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 भागों में बांटा गया था नदी के आधार पर, ये भी याद रखिएगा, और हिमालय को ऊंचाई के आधार पर भी बांटा गया था दोस्तों, महान हिमालय है ना और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 26 कह रहा है कि दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर शासन किया था। दिद्दा, देखिए रानी दिद्दा जो थी दोस्तों ये कहाँ शासन की थी, तो ये जबरदस्त है दिद्दा है ना, तो ये दिद्दा की थी दोस्तों कश्मीर पर, है ना, दिद्दा कहाँ शासन की थी दोस्तों कश्मीर पर, ये शासन की थी, याद रखिएगा रानी दिद्दा। और ये किस वंश की थी, तो उत्पल वंश की थी आपके, है ना, ये किस वंश की थी, उत्पल वंश की थी आपका रानी दिद्दा, कश्मीर पर ये शासन की थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 27 प्रश्न है दोस्तों कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दिया गया। देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है ये ऑप्शन दिया गया विज्ञान प्रौद्योगिकी या साहित्य पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और पर्यावरण अध्ययन, ये दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका। ठीक है, है ना, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, याद रखिएगा। और इसमें जो पुरस्कार राशि दिया जाता है वो है आपका $15,000, है ना, $15,000 की पुरस्कार राशि और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये कितने श्रेणी में दिया जाता है, तो ये 22 श्रेणी में दिया जाता है आपका, याद रखिएगा। 7 श्रेणी जो है वो साहित्य का है और 15 श्रेणी जो है वो पत्रकारिता का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 28 की किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे, है ना, तो सनी डेज जो है ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों, वो है आपके सनी डेज सुनील गावस्कर, है ना, याद रखिएगा सुनील गावस्कर, है ना, सनी डेज जो है दोस्तों ये सुनील गावस्कर की आत्मकथा है ना। अगर आपसे पूछे कि सचिन तेंदुलकर, है ना, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है भाई, बताइए कॉमेंट करके जल्दी से। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा जो है प्लेइंग इट माई वे, है ना, क्या है जी, प्लेइंग, है ना, प्लेइंग इट, है ना, माई वे, तो ये है दोस्तों आपका किसका जी, तो प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर का है। अगर सौरभ गांगुली का पूछे कि सौरभ गांगुली की आत्मकथा क्या है भाई, तो ए, है ना, ए सेंचुरी, याद रखिएगा दोस्तों, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, है ना, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, है ना, तो ये है दोस्तों आपका किसका, तो ये है आपका सौरभ गांगुली का दोस्तों। ठीक है, चलिए और अनिल कुंबले की आपको बताना है। अगला है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है। देखिए क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है ये 20.12 मीटर होता है आपका। ठीक है, 20.12 मीटर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 के, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। देखिए रामायण का फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ था ये किया था दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था रामायण का फारसी में अनुवाद आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब। और महाभारत का फारसी में जो अनुवाद हुआ था उसका क्या नाम था, रजमनामा, और वो फैजी करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका 31 की, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मुस्लिम लीग, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए।
देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है दोस्तों ये 1906 ईस्वी में होती है, ठीक है, 1906 ईस्वी में होती है मुस्लिम लीग की स्थापना। और किसने किया था, तो ये सलीमुल्ला खान की अध्यक्षता में, पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके सलीमुल्ला, है ना, सलीमुल्लाह खान की अध्यक्षता में दोस्तों हुआ था इसकी स्थापना आपका मुस्लिम लीग का आपका। और इसमें और कौन लोग शामिल थे, तो ये आपका आगा खां भी इसमें थे आपका, सलीमुल्लाह थे आपका, है ना, मोहसिन उल मुल्क भी थे आपका, ठीक है, चलिए जी। और ये स्थापना हुआ था आपका ढाका में, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है देखिएगा आपका 32 नंबर, कह रहा है सिंधु घाटी को, है ना, सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी को दोस्तों सोनार घाटी से जोड़ने वाली जो शाही सड़क का निर्माण कराया था भाई, वो कौन था, तो वो था आपका कौन, शेर शाह सूरी, है ना। ये सोनार घाटी से जोड़ने वाली सड़क उड़क की जब भी बात आए दोस्तों, शेर शाह ही बनवाया था आपका, है ना, शेर शाह सूरी हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए शेर शाह सूरी और क्या किया था, है ना, बताइएगा और आगे क्या किया था दोस्तों। तो शेरशाह सूरी राजमार्ग का निर्माण शेरशाह के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, शेरशाह सूरी जो राजमार्ग है इसका भी निर्माण शेरशाह सूरी ही करवाया था। शेरशाह का डाक प्रबंधन मध्यकाल में सबसे सर्वश्रेष्ठ था दोस्तों, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है। भाई साहब देखिए, तानसेन का जो जन्म हुआ था ना, ये ग्वालियर में हुआ था, और इनका जो मकबरा है वो भी ग्वालियर में ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका जो आपका मकबरा है वो ग्वालियर में है, जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ था आपका। देखिए प्रसिद्ध जो तानसेन थे ना, ये तानसेन दोस्तों जबरदस्त ये गायक थे, है ना, जबरदस्त गायक थे, और इसके इसी वजह से इसके बारे में अबुल फजल कहे थे एक बात कि ऐसा गायक जो है 1000 वर्ष में न हुआ है और न कभी होगा दोस्तों, ये बोले थे आपका, है ना, जबरदस्त गायक थे। अगला है आपका 34 नंबर कि अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है ये किस लिपि में है दोस्तों, तो ये लिपि हो जाएगा आपका खरोष्ठी लिपि। किस लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में ये आपको मिला है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में संबंधित पंचायत में शामिल विषय कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, अगर विषय की बात करें, ठीक है, संविधान में जो 11वीं अनुसूची है पंचायत से संबंधित, इसमें विषय कितना है, तो टोटल 29 विषय है आपका, ठीक है, टोटल 29 विषय है। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि 12वीं जो अनुसूची है ना, नगर निगम से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित, उसमें दोस्तों कितना विषय है, तो उसमें आपका 18 विषय है आपका, ठीक है, तो उसमें है आपका 18 विषय और इसमें है आपका 29 विषय, ये कई बार पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था दोस्तों। देखिए ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज जो था ये नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, आंसर क्या होगा, एम के गांधी, है ना, ये गांधी जी ही सुझाव दिए थे आपके पंचायती राज का, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला सवाल है दोस्तों आपका 34 नंबर, देखिए 34 प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत की संरचना में कौन शामिल होता है। देखिए ग्राम पंचायत जो बनाया जाता है इसमें निर्वाचित मुखिया तो रहेंगे ही, उसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं ये भी रहेंगे, पंचायत सेवक दोस्तों नहीं रहते हैं। देखिए पंचायत सेवक का नियुक्ति होता है कर्मचारी के रूप में, ये कार्य करते हैं पंचायत सेवक, तो पंचायत सेवक इसमें भाग नहीं लेते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा एक और दो, है ना, एक और दो किसमें दिया गया है, अच्छा इसमें छूट गया है, तो एक और दो यहाँ पर कर लीजिएगा, है ना, एक और दो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक हो जाएगा दोस्तों, है ना, यहाँ पर ये दो छूट गया है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर आपका, है ना, 38 नंबर सवाल है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से। देखिए नगर पालिका, तो नगर पालिका ये अनुच्छेद पूछ रहा है भाई साहब कि अनुच्छेद कितना में होगा, तो नगर पालिका जो है ये हो जाएगा आपका 243 में है आपका, ठीक है, 243 में हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आपका, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि राष्ट्रीय
प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। देखिए, अगर राष्ट्रीय आपात मान लीजिए लगा हुआ, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद कितना में है, 352 में है, ठीक है। अगर राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय कह रहा है कि संसद जो है ये किस अनुच्छेद के तहत जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाएगा, तो ये अनुच्छेद आपका 250 है ना। ये अनुच्छेद कितना है, ये अनुच्छेद दोस्तों 250 के अंतर्गत वो कानून बना सकता है। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजीपति है। दोस्तों देखिए, सरकारी बजट में एक पूंजीपति कौन सा है, तो ये इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। पूंजी प्राप्ति है ना, पूंजी प्राप्ति यहाँ पर होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार हो जाएगा, है ना, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को विश्व आतंकवादी घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, तो किस पाकिस्तानी आतंकवादी को विश्व आतंकवादी घोषित किया गया है दोस्तों, उसका नाम था आपका अब्दुल रहमान मक्की, है ना। क्या नाम था, मक्की, याद रखिएगा, अब्दुल रहमान मक्की। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है आपका 42 नंबर, कह रहा है कि 15 से 17 जनवरी 2023 के बीच जलीकट्टू, है ना, जलीकट्टू बुल फेस्टिवल जो है, है ना, बुल जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया गया, तो बुल फेस्टिवल यानी साढ़ का जो खेला जो मनाया जाता है दोस्तों भारत में, वो है आपका तमिलनाडु में, है ना, देखे होंगे ना, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर कि फरवरी 2023 में भारतीय मूल की किस महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए रिपब्लिक पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये करेंट अफेयर है दोस्तों, कह रहा है कि फरवरी 2023 की बात है, भारतीय मूल की वो कौन सी अमेरिकी महिला है जिन्होंने 2024 के चुनाव में रिपब्लिक पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है, तो वो आपका हो जाएगा 43 का डी नंबर, यानी कि निकली हेली, है ना, निकली हेली इसका नाम है, याद रखिएगा, निक्की हेली है भाई साहब, निक्की हेली, है ना, निक्की हेली, वही हमको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, निक्की हेली उसका नाम है। बहुत ज़्यादा यहाँ टाइपिंग की गलती कर दिया है, है ना, सुधार दिया जाएगा आप लोग को। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं। तो इनको यूट्यूब के नए CEO जो बने हैं, नील मोहन बने हैं आपका, ठीक है, कौन बने हैं भाई साहब, नील मोहन हो जाएगा आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, नील मोहन, ठीक है। और नील मोहन जो है ना, ये भारतीय मूल के ही हैं, अमेरिकी नागरिक हैं भाई साहब, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कि 21 से लेकर के 23 मार्च दूसरी G20 SFWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो बैठक आयोजित की गई है, ये जो हुआ है दोस्तों आपका राजस्थान में हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, ये राजस्थान में आपका किया गया है 21 से 23 मार्च 2023 को आपका। अगला प्रश्न है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वंदे भारत जो आपका ट्रेन चलाया गया है, तो पहली महिला दोस्तों पूछ रहा है, है ना, पहली महिला वो कौन थी जो ट्रेन चलाने वाली है, उसका नाम है सुरेखा यादव जी, है ना, सुरेखा यादव आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। सुरेखा यादव जो है दोस्तों, ये एशिया की पहली महिला रेल लोको पायलट है, अगर एशिया का भी पूछा जाए तो यही होगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर कि 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 जो हुआ है, ये ग्रैंड फिनाले 15 अप्रैल 2023 को हुआ था, कहाँ, तो इम्फाल में हुआ था, कहाँ हुआ था, इम्फाल में हुआ था दोस्तों आपका, इम्फाल के खुमान लंपक इंडोर स्टेडियम में हुआ था, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल है आपका 48 नंबर, है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, कब मनाते हैं सबको पता होगा, 7 अप्रैल को मनाते हैं। और इस वर्ष जो इस दिवस का थीम क्या था, है ना, थीम भी पूछा जाता है, इसका थीम क्या था इन साल दोस्तों 2023 में, तो सबके लिए स्वास्थ्य, इसका थीम क्या था, तो सबके लिए स्वास्थ्य, याद रखिएगा, सबके लिए स्वास्थ्य इसका थीम है आज। अगला प्रश्न है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
विश्व थैलेसीमिया दिवस जो मनाते हैं ये 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाँ, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2023 का थीम क्या था बताइए? 2023 का तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो था इसका थीम पूछा जाता है, इसका थीम जो था वो क्या हो जाएगा? इसका थीम था कि जागरूक रहे, और जागरूक रहे, शेयर करना, देखभाल, थैलेसीमिया केयर गैप को पाटने हेतु शिक्षा को मजबूर करना। है ना, बहुत लंबा था आपका, है ना, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी इसका है, थैलेसीमिया दिवस। और अगला प्रश्न है आपका कि सी इज विमेन इन स्टीम, है ना, सी इज विमेन इन स्टीम ये किसने लिखी है? तो उसको ये पुस्तक है, तो सी इज विमेन इन स्टीम का जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है आपका किसके द्वारा? एल्सा मैरी डी सिल्वा, है ना, याद रखिएगा, एल्सा मैरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। तो ये रहा आज का टेस्ट, कैसा लगा आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। और डेली आपकी 7 बजे से टेस्ट होती है, अगर आपको PDF नोट्स इसका मिल जाएगा आपको हमारे WhatsApp पर, है ना, अभी आपको मात्र 251 में आपको ये सारे मिल जाएंगे। डेली लाइव क्लास भी मिलेगा और पीछे जितना क्लास हुआ है वो सारा मिल जाएगा आपका, NCERT SCERT बेस्ट जो आपका ये टेस्ट है, ये सारा दोस्तों आपको इसी नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आपको पे करना होगा। जो लोग भी पे करेंगे तो इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, है ना, अभी 50% ऑफ है, है ना, तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं जी। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज देखिए रात में क्लास होगी, है ना, तो आप लोग को बता दिया जाएगा, है ना, तो आप लोग शाम में जुड़ना है और उसके लिए आपको ग्रुप में मिल जाएगा इसका लिंक भी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, है ना जी। और कोई अगर आप लोग को कोई इंक्वायरी हो तो आप लोग बता दीजिए। और देखिए एक जो महत्वपूर्ण अपडेट था कि आप सभी का OMR डाल दिया गया है, है ना, OMR आप लोग देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, OMR देख लीजिएगा, क्योंकि कैसे कैसे आप लोग को भरना है 1-5 के लिए क्या करना है, है ना, जो 9-10 है उनके बच्चे को क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ चुनना है, कैसे भरना है, ये आप OMR को देख लीजिएगा। और जो अभी OMR दिया है इसी अनुसार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, मार्केट में आपको 1-2 दिन में OMR मिल जाएगा। आप जिसका भी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे तो आपका 1-5 हो या आपका 9-10 हो या आपका दोस्तों 11-12 हो, है ना, जिस किसी का भी आप तैयारी कर रहे होंगे सबका OMR सीट आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसी अनुसार से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको कोई गलती नहीं हो दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना, और जोर शोर से तैयारी करते रहिए दोस्तों, धन्यवाद।